देख रहे उत्तर प्रदेश बरेली जंक्शन। आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट बरेली तहसील फरीदपुर में एक भू माफिया अनिल प्रताप सिंह राणा ने नरेश पाल गुप्ता 70 वर्षीय भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही का लगभग 10 बीघे जमीन हड़प कर अवैध निर्माण व प्लाटिंग करा रहा है। उसके विरोध में अपनी आवाज को रखने के लिए, न्याय मांगने के लिए नरेश पाल गुप्ता लगातार 108 दिनों से अनशन व धरना कर रहे हैं। अब उन्होंने शुरू कर दिया है गायत्री महामंत्र का जाप, क्योंकि योगी सरकार के सभी हेल्पलाइन नंबर पर वो करते हैं फोन, उचित जवाब ना मिलना, सरकारी महकमे का कोई सहायता ना मिलने की वजह से वह बुजुर्ग परेशान होकर सेठ दामोदर दास स्वरूप पार्क बरेली के अंदर लगातार सांकेतिक धरना व गायत्री महामंत्र का जाप करते दिखेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं, योगी सरकार दावा करती है आखिर किस लिए है हेल्पलाइन नंबर, जहां बुजुर्गों का सम्मान नारी शक्ति की बात होती है, वहीं एक बुजुर्ग की बात नहीं सुनी जाती है। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता इस योगी की सरकार में, क्या कुछ कहेंगे नरेश। भर्गो देव धीमही धियो युनः प्रचोदयात्। मेरे लड़कों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541 542 544 मिल जुबला 544 बा 559 507 संक्रमणीय भूमि स्थित है। उस भूमि पर वहाँ का भूमाफिया अनिल प्रताप राणा अपने संगठित गिरोह द्वारा पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार करा रहा है। इस संबंध में हमने थाना, तहसील, जनपद, मंडल स्तर, शासन स्तर, महामहिम गवर्नर साहब एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार तक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 26/12/2017 एवं 25/2/2018, उस समय हमारी जमीन बिल्कुल खाली थी, जिसकी संदर्भ संख्या हमारे पास है। इसके बाद ये भूमाफिया अनिल राणा के संगठित गिरोह द्वारा जब अवैध निर्माण शुरू किया, उस समय हमने सबसे पहला शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को 2/3/2018 को दिया, जिसका हमारे पास संदर्भ संख्या है। इसके अलावा कई अन्य शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए और अन्य संबंधित सभी उच्च अधिकारी से लेके और दिल्ली तक सभी लोगों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। हमें जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर दिनांक 22 सितंबर 2020 से मैं परिवार सेठ दामोदर दास पार्क में अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा। अनिश्चितकालीन धरना के समय भी पुलिस प्रशासन की साठगांठ से भूमाफिया के राणा के संगठित गुरु द्वारा अवैध बिक्री, अवैध निर्माण किया गया। ये सभी सारे पूर्ण अवैध कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी छवि न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, ईमानदार छवि में मानी जाती है और इनकी तारीफ यूपी में क्या इंडिया में भी होती है, तो इन्हीं के शासनकाल में ये अवैध कार्य, उपरोक्त सभी अवैध कार्य माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के शासनकाल में हो रहे हैं। हमारे पास इसके स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। 108 दिन आज हमें धरना पर बैठे हो गए हैं। हमें आज तक अभी न्याय नहीं मिला है। अब हम हमारा परिवार अपने ज्ञापन में दी गई पांचों मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा, लेकिन आज तक नहीं न्याय नहीं मिला। माननीय जन प्रतिनिधियों, सम्मानित जनता, सम्माननीय जनता, स्वच्छ छवि
ईमानदार वाले प्रशासन एवं शासन में बैठे अधिकारियों एवं न्याय दिलाने हेतु चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया वाले भाइयों एवं अन्य जनप्रिय न्यायप्रिय समाज सेवी सभी भाइयों से अनुरोध है कि मुझे व मेरे परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। शेर दमोदर दास पार्क में एक घंटे अपने गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।